मटर की दो वैरायटी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हैं और काफ़ी ज़्यादा बुआई भी की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AP3 मटर और PSM3 मटर के बारे में। जब भी आप मटर की बुआई करते हैं तो इनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो AP3 मटर और PSM3 जो मटर है, दोनों अलग अलग वैरायटी हैं, तो दोनों में से कौन से मटर की आपको बुआई करनी चाहिए, दोनों में से कौन सी वैरायटी बेस्ट हैं, कीमत के साथ साथ एक फल्ली पर आपको कितने दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है, दोनों वैरायटी में सबसे ज़्यादा पैदावार किस वैरायटी के है, खासियत क्या है, वीकनेस क्या है, क्या इन किस्मों की स्ट्रेंथ है, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पर बने रहिए। यह जो वीडियो है यह कंपेयर वीडियो है और कंपेयर करेंगे AP3 वर्सेस PSM3 वैरायटी के बारे में। तो दोनों अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी हैं, यानी जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं। मात्र 60 से 65 दिनों में यह दोनों की दोनों वैरायटी एकदम तुलाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। इन किस्मों को दोस्तों आप अंगीति बुआई कर सकते हैं, पछेती बुआई कर सकते हैं समय पर, या फिर एक बार मटर की बुआई करने के बाद दोबारा भी इन किस्मों को आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि 60-70 दिन की यह टोटल लाइफ साइकिल इन वैरायटी की है। तो समय तो लगभग 5-7 दिन का ही अंतर रहता है, बाकी लगभग सेम टाइम लगता है। तो इन दोनों किस्मों को आप अंगेती पछेती यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं, AP3 की भी और PSM3 वैरायटी की। लेकिन AP3 वैरायटी में ज़्यादा फलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है, वहीं PSM3 जो वैरायटी है AP3 की तुलना पर थोड़ी सी कम फलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है। AP3 वैरायटी यह थोड़ी सी चपटी टाइप की फली होती है और बाकी PSM3 थोड़ा गोल फली होती है। AP3 वैरायटी की जो पैदावार है वो अधिक है और PSM3 जो वैरायटी है इसका उत्पादन AP3 की तुलना पर कम है। AP3 जो वैरायटी है इसके सीड्स की कीमत 11,500 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है, जबकि PSM3 जो वैरायटी है 11,000 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। अब इसको आप फुटकर पर या फिर कम सीड्स पर लेते हैं तो कीमत कम और ज़्यादा भी हो सकती है, और अलग अलग स्टेटों पर कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं। उत्पादन के ऊपर बात करें तो AP3 वैरायटी का उत्पादन 40 से लेकर 60 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं एक एकड़ में, जबकि PSM3 जो वैरायटी है इसका उत्पादन 35 से 45 क्विंटल ही आप अधिकतम उत्पादन निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं AP3 का उत्पादन PSM3 से कहीं ज़्यादा है। दाने एक फल्ली पर AP3 वैरायटी पर 7 से 8 दानों तक की संख्या देखने के लिए मिलती है, जबकि PSM3 जो वैरायटी है इस पर प्रति फल्ली 5 से 6 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। AP3 जो वैरायटी है यह 65 दिन में तैयार होती है, जबकि PSM3 जो वैरायटी यह 60 दिन में तैयार होती है, लगभग सेम टाइम आप मान लीजिए। लेकिन मोटा आप ये मान लीजिए कि AP3 या फिर PSM3 दोनों की दोनों वैरायटी लगभग सेम टाइम लेती हैं। एक एकड़ में AP3 मटर की बुआई आप कर रहे हैं तो 70 से 80 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जबकि PSM3 जो वैरायटी है एक एकड़ में 80 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको करनी पड़ेगी। बीज उपचार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो दोनों किस्में AP3 या फिर PSM3 वीडियो पर आप जो देख रहे हैं इस प्रकार आपको बीज उपचार करना है। बीज उपचार आपको सर्वप्रथम झेलोरा फंगीसाइड से करना है। झेलोरा फंगीसाइड से आप बीजों को उपचार करना है, जिसमें थायोफेनेट मिथाइल और पाराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आप एक इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करें, जैसे थाइमोथोक्सोम रेनो के नाम से आती है, 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करें। झेलोरा का डोज 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार आपको करना चाहिए। बीज उपचार करेंगे तो जो पौधा है लंबे समय तक हरा भरा रहेगा, फंगस की समस्या नहीं आएगी और जो बढ़वार है अंकुरित है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो बीज उपचार दोनों, चाहे AP3 लगाएं या फिर PSM3, दोनों वैरायटी का बीज संशोधन करने की आवश्यकता है। AP3 जो वैरायटी है इसका पौधा हरा भरा और अधिक फुटाव देखने के लिए मिलते हैं, जबकि PSM3 AP3 की तुलना पर थोड़ा सा कम फुटाव होते हैं। रोग बीमारी दोनों में आती बराबर आती हैं, चाहे फली छेदक हो या फिर हमारा पाउडर मिल्ड्यूड हो, रस्ट हो, जो भी समस्याएं आती हैं वो दोनों में लगभग सेम
समस्याएं आती हैं। तो प्रॉपर आपको स्प्रेइंग चलानी पड़ेंगे, प्रॉपर दोस्तों आपको खाद दवाइयों का जो शेड्यूल है, न्यूट्रिशन, प्रॉपर इरिगेशन, समय समय पर हल्की हल्की सिंचाई करेंगे तो इन दोनों किस्मों से आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में ऐसे जो सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, वो है AP3 मटर की वेराइटी। तो इन दोनों में आप यदि कन्फ्यूज हैं तो सीधा सा AP3 मटर की बुआई आप कर दीजिए, बहुत ही अच्छी मटर की वैरायटी है AP3। यह कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है दोस्तों, यह केवल फार्मर्स और ग्राउंड लेवल पर इस वैरायटी का AP3 का उत्पादन अच्छा है, इसलिए जो जानकारी है वो आप तक साझा की। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।